एक नंबर क्वेश्चन जो था, एक नंबर का क्वेश्चन का ठीक उल्टा यहां है दो नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक नंबर में क्या था कि दी गई आकृति में बाह्य कोणों का कौन x का मान ज्ञात कीजिए, इसमें बोला है अंतः कोणों का मान ज्ञात करने। तो एक नंबर में यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर लिंक में आपको मिल जाएगा, उससे आप देख लीजिएगा। तो आज हम लोग यहां पर दो नंबर का एक नंबर बनाएंगे, दी गई आकृति में अंतः कोणों कौन x का मान ज्ञात कीजिए। तो अंतः कोण कौन सा है x, ये हम निकालेंगे। बाह्य कोण यहां पर हो गया और ये कोण ये 70 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग पहले लिखेंगे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर त्रिभुज के बाह्य कोण, बाह्य कोण ये लिखना आपको। अब यहां पर लिखिए त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोण कौन सा हो गया, एक हो गया x और दूसरा हो गया 70, तो x जोड़ 70 लिख दिए। और बाह्य कोण कितना है 115, बाह्य कोण यहां है, बाह्य कोण 115 लिख दीजिए। आप दोनों को मान बैठाइए, x रह गया 70 उस साइड चला जाएगा, तो 115 माइनस 70 ठीक है, तो कितना हो जाएगा घटा लीजिए आप, तो ये 5 हो गया और 7 4 11 7 8 9 10 11 7 4 11 45 डिग्री आंसर ये निकलकर आ गया। एक नंबर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आइए दो नंबर में, दो नंबर में देखिए त्रिभुज दिया हुआ है और अंतः कोण कौन सा है x और 80 है, बाह्य कोण 35 है। तो यहां लिखिए त्रिभुज के, यहां लिखिए चूंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग किसके बराबर होता है, त्रिभुज के बाह्य कोण, बाह्य कोण के बराबर होता है ठीक है। अब त्रिभुज के अंतः कोण कौन सा है, एक है x और दूसरा है 80, बराबर कितना होता है 135 ठीक है। अब x का मान निकालिए, x 135 में 80 चला जाएगा ठीक है, 80 को माइनस कर दीजिए, तो कितना x का मान कितना आ जाएगा, तो यहां से 5 हो गया 8 8 5 13 55 डिग्री 55 डिग्री आंसर। तीन नंबर में आइए, आप तीन नंबर में देखिए यहां पर दिया हुआ है, ये तीन नंबर है, एक है 45 डिग्री, दूसरा है x और यहां पर है 90 डिग्री ठीक है। तो यहां लिखिए क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर त्रिभुज के बाह्य कोण। अब यहां देखिए कौन कौन है, एक है x, दूसरा कितना है 45, बराबर कितना है 90 ठीक है, लिखे थे x बराबर 90 घटा 45, तो x का मान कितना आया 45 आंसर। तीन नंबर भी आपका बन गया। आइए चार नंबर को देख लीजिए, चार नंबर में देखिए बाह्य कोण कितना है 160 है और अंतः कोण x है 120 है, तो लिखिए क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर त्रिभुज के बाह्य कोण, बाह्य कोण तो कितना है, एक है आपका x, दूसरा निकल गया है 20 और 160 है, तो निकालिए इसका x बराबर हो गया 160 में 20 को घटा दीजिए, तो x बराबर हो गया 140 डिग्री आंसर।
चार नंबर भी बनकर आपका रेडी हो गया है। तो आप देखिए पांच नंबर में है, पांच नंबर में है दो कोण है, एक 35 है एक 100 है, और बाह्य कोण कितना है, बाह्य कोण जो है 70 डिग्री आपका है। तो लिखिए यहां पर, लिखिए चूंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर त्रिभुज के बाह्य कोण, ठीक है। अब यहां देखिए कितना कितना है, x और 35 है, तो x जोड़ 35 बराबर 70 डिग्री। अब देखिए x बराबर 70 में 35 घटा दीजिए तो x बराबर 35 डिग्री, क्योंकि 35 प्लस 70 होता है। अब ये भी नंबर आपका जो है बनकर रेडी हो गया। आइए अब इस नंबर को हम यहां पर कर लेते हैं। तो यहां देखिए बाह्य कोण कितना है, 140 डिग्री है, और एक है 30 एक है x। तो लिखिए यहां पर चूंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर त्रिभुज के बाह्य कोण, तब यहां ये x प्लस कितना है, x प्लस 30 बराबर 140 डिग्री। x बराबर हो गया 140 माइनस 30 बराबर, x बराबर 30 चला जाएगा 110 डिग्री आंसर। तो ये चैप्टर जो है एक नंबर दो नंबर ये बन गया है। अब हमारा जो है बच रह गया है हां ना में उत्तर दीजिए, ठीक है, उसको भी अभी हम लोग कर लेंगे।